सो एज एवरीवन गुड मॉर्निंग एंड आई होप कि आप सभी लोग भी बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। तो एज ऑलवेज आज सुबह सुबह मैं ऐसे ही अपने टेरेस पर वर्कआउट कर रहा था एंड तभी मुझे बहुत सारे बर्ड्स अपनी ओर आते हुए दिखे एंड द व्यू वॉज सो अमेजिंग। आंखों से देखने पर तो इतना अच्छा लग रहा था बट टाइम लैप्स के चक्कर में उतना अच्छा शूट नहीं कर पाया मैं। एंड देन बर्ड्स का व्यू एंजॉय करने के बाद फिर से मैंने स्टार्ट कर दिए अपने एक्सरसाइजेस। एंड देन एक्सरसाइजेस कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने स्टार्ट कर दिया अपना मेडिटेशन। एंड सुबह सुबह नेचर एंड बर्ड्स की इस आवाज में मेडिटेशन करने का भी एक अलग ही मजा है, माइंड एकदम शांत हो जाता है। बट आज मैं ऑलरेडी थोड़ा सा लेट हो चुका था तो फिर मैंने वीडियो शूट नहीं करी और मैं अभी डायरेक्ट निकल चुका हूँ अपने लाइब्रेरी की ओर। जल्दी जल्दी लाइब्रेरी में जाने के चक्कर में अपनी मैं बॉटल भी रूम पर ही भूल गया था, सो दैट्स व्हाई मुझे फिर से रूम पर आना पड़ा। कुछ ऐसे ट्रबल करते करते मैं अपने लाइब्रेरी में पहुंचा एंड आज ऑलरेडी मैं 30 मिनट्स लेट पहुंचा था, सो दैट्स व्हाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने अपना थोड़ा सा डेस्क क्लीन किया, थोड़ी सी टू डू लिस्ट बना ली एंड देन स्टार्ट कर दिया आज के करंट अफेयर्स। एंड आप में से बहुत लोगों का ये क्वेश्चन था कि रोज का न्यूज़पेपर का लिंक कैसे फाउंड करा जाए। हर एक वीडियो में या फिर वीडियो के बाद मुझे इंस्टाग्राम पर रोज डीएम आता है कि न्यूज़पेपर कैसे फाउंड करे, कि मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स जो है वो विलेज बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, सो दैट्स व्हाई फिर उनको द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस ऐसे न्यूज़पेपर्स उनके विलेज में प्रोवाइड नहीं होते। एंड आजकल सब्सक्रिप्शन भी बहुत महंगे हो चुके हैं तो 1500 रुपये पे करने पड़ते हैं हमें साल भर के लिए। बट डोंट वरी, मैंने आपके लिए एक सोल्यूशन फाइंड कर लिया है। तो आपको क्या करना है, सिंपली एक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है जिसका नाम है UPSC SSC बैंक प्रेप। एंड इस ग्रुप में आपको एक नहीं दो नहीं तो पूरे 10 टाइप के न्यूज़पेपर्स मिलने वाले हैं, जैसे कि द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, मिंट हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया। एंड अगर आप एक बैंकिंग एस्पिरेंट हो तो आपको फाइनेंस, बिजनेस लाइन, बिजनेस स्टैंडर्ड एंड मेनी मोर। एंड वो भी सारे एडिशन अवेलेबल है, जैसे कि दिल्ली एडिशन, कोलकाता एडिशन, चेन्नई एडिशन एंड अदर ऑल इंडियन एडिशंस। एंड इसके साथ साथ इस ग्रुप की सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको UPSC में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, एडिटोरियल PDF। इस PDF में आपको सारे के सारे एडिटोरियल्स मिल जाएंगे जिससे आपका टाइम भी बचेगा और एंड जो भी फालतू के न्यूजेस है आप उन्हें डायरेक्टली स्किप कर बस ऑडिटोरियल्स अच्छे से रीड कर सकते हो, तो जिससे कि आपका टाइम भी बचेगा। एंड इस ग्रुप की ज्वाइनिंग फीस भी बहुत ज़्यादा कम है, एक दिन के लिए बस 4 रुपये एंड पूरे साल के लिए बस 150 रुपये। एंड अगर आपको बस एक महीने के लिए भी ट्राई करना है तो आप वो भी कर सकते हो एंड वो भी जस्ट 24 रुपीज में। इतने कम प्राइस में तो आपको एक पेन का पॉकेट भी नहीं मिलेगा। तो इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले लिंक पे क्लिक करिए एंड देन कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे पर डे, पर मंथ एंड 6 मंथ और 12 मंथ ऐसे 4 कैटेगरीज दिए गए हैं एंड प्राइजेस भी आपको ज्यादा दिख रही होगी, बट आप अगर मेरा कोड यूज करोगे HK20 तो आपको मिलेगा पूरा 20% डिस्काउंट, जिससे ये प्राइजेस बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। एंड कोड यूज करने के बाद एक दिन के 4 रुपए एंड पूरे साल के बस 151 रुपए लगेंगे। एंड कूपन यूज करने के बाद सिंपली आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है, मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको एक व्हाट्सएप पे OTP आएगा, उससे वेरीफाई कर लेना है एंड देन UPI सिलेक्ट करके पेमेंट कर दो, आपको डायरेक्ट एक व्हाट्सएप पे लिंक आ जाएगी, उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपका वो ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा एंड देन आपको प्रीवियस एंड अपकमिंग आने वाले सारे न्यूज़पेपर मिल जाएंगे। तो कुछ इस तरह से आप आपका डेली न्यूज़पेपर फाइंड कर सकते हो एंड PDF फॉर्म में होने के कारण ये बहुत ज़्यादा इजी टू कैरी है। अगर आप कहीं ट्रैवलिंग भी कर रहे हो तो भी आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ सकते हो विदाउट स्किप करें। प्राइजेस इतने ज़्यादा कम है तो मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर ट्राई करिए। एंड करंट अफेयर्स कंप्लीट करने के बाद मैंने स्टार्ट कर दिया अपने रीडिंग सेशंस, क्योंकि सुबह में रीडिंग थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती है। साढ़े 11 बजे तक अच्छे से रीडिंग करने के बाद फिर मैंने खाना खाने के लिए एक ब्रेक भी लिया था बीच में, उसी के साथ साथ लाइब्रेरी की एडमिशन भी रिन्यू कर ली। एंड देन थोड़ी देर के लिए एटॉमिक हैबिट रीड करने के बाद फिर से मैंने अपनी पॉलिटी की रीडिंग स्टार्ट कर दी एंड आजकल मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपने रीडिंग पर कर रहा हूँ। देन पॉलिटी की रिविजन कम्प्लीट करने के बाद फिर मैंने स्टार्ट कर दी अपने क्लासेस। एंड लास्ट वीडियो में किसी ने कमेंट करा था कि टाइम यूटिलाइजेशन के लिए, मतलब कि वो 5 घंटे क्लासेस कर रहे हैं, 2 घंटे नोट्स बना रहे हैं, तो मतलब उनका उन्हें सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो सिंपली बताओ तो ये सेम चीज़ मेरे साथ लास्ट ईयर हुई कि मुझे मतलब मैंने जब क्लासेस लगाए थे ऑनलाइन तब मुझे भी बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था एंड दैट्स व्हाई फिर मैंने एग्जाम फॉर्म तो फिल कर लिया था बट मैं सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाया था। तो इसमें आपको एक ही सजेशन रहेगा कि ड्यूरिंग क्लास ही आप नोट्स मेकिंग कर लिया करो, अदरवाइज आपका बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा नोट्स बनाने में। एंड उसी के साथ साथ आप एक चीज़ कर सकते हो कि नोट्स आपके माइंड मैप फॉर्म में बनाओ, जिससे आपको हेल्प होगी कि आप कम से कम टाइम में ज़्यादा नोट्स बना सकोगे। मतलब एकदम पहले दिन से ही शॉर्ट नोट्स तो किसी के नहीं बनते, बट आप अगर धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे क्लास के साथ नोट्स बनाते जाओगे तो आपको प्रैक्टिस होगी एंड आई होप कि अगर आप एक महीना भी अगर क्लासेस के साथ साथ नोट्स बनाने लग जाओगे तो आप
मतलब एक महीने में सीख सकते हो कि कैसे बनाए क्लासेस के साथ साथ नोट्स। अगर मैं वीडियो में कितना भी बता दूं बट ऐसा नहीं होगा, आपको वो प्रैक्टिकली करके देखना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ मुझे एक साल बीतने के बाद अभी समझ रही है कि मतलब कैसे मैनेज कर सकते हैं हम ये चीज़ें। मेरा सजेशन यही रहेगा कि क्लासेस के साथ नोट्स बनाओ, ट्राई करो कि आप क्लासेस के साथ साथ लिख सको, एंड माइंड मैपिंग फॉर्म यूज़ करो अपने नोट्स मेकिंग में, जिससे आपको और भी ज़्यादा हेल्प होगी कम टाइम में कम साइज में नोट्स बनाने की। एंड अगर आपको माइंड मैपिंग सीखनी है तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो, अगर हो सके तो मैं वीडियो बना दूंगा, या फिर आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। एंड अभी बज रहे हैं 5:30 और अभी हम सब लोग जा रहे हैं पानीपुरी खाने के लिए, कि आज हमारा एक फ्रेंड परमानेंटली घर जाने वाला है। कुछ दिनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, सो दैट्स व्हाई उसने डिसीजन लिया कि अभी वो घर से ही पढ़ाई करेगा। एंड दिन आज आखिरी दिन था, तो ऐसे ही बातें करते करते कब 7 बज गए कुछ पता ही नहीं चला, और दिन हम सभी लोग निकल गए उसे स्टेशन पर छोड़ने के लिए, क्योंकि उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो फिर हमने उसे सामान चढ़ाने में थोड़ी सी हेल्प करी। एंड लास्ट कुछ फोटोज क्लिक करवाकर अभी हम निकल चुके हैं अपने रूम की ओर। तो कुछ इस तरह से रहा मेरा आज का दिन, एंड आई होप कि इस व्लॉग से आपको एक वैल्यू मिली होगी, जैसे कि मैंने आपको एक न्यूज़पेपर ग्रुप के बारे में बताया, एंड क्लासेस के दौरान आप अपना टाइम यूटिलाइज कैसे कर सकते हो ये भी बताया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आपके और भी कोई डाउट्स होंगे तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना, मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में उन्हें क्लियर करूं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।